गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। आज का मेरा टॉपिक है लाइफ स्किल के अंदर हाउ टू मैनेज अ डिफिकल्ट कस्टमर और फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स। देखो यार, कोई भी जो कस्टमर है वो अच्छा है बुरा नहीं होता। कई बार परिस्थितियां होती हैं, कई बार उसका तरीका लाइफ का होता है जिसके कारण हम डील करते हैं। कुछ लोग हैं वो छोटी मोटी इंक्वायरीज करके तुरंत परचेज कर लेंगे, कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बट एक बार अगर आपने उसके साथ रेपो बना दी तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रिटेन रहेंगे। कुछ लोग धीरे 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 क्वेश्चन पूछेंगे, तो अलग अलग टाइप के आपको कस्टमर्स मिलते रहेंगे। सबसे डिफिकल्ट हमें वो लगते हैं कस्टमर्स जो बहुत सारे क्वेश्चनों की बौछार कर देते हैं, या फिर जिसको 100% रिजल्ट चाहिए और उनके बिना वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते चीज़ों के साथ, और बहुत टफ हो जाते हैं। अब हमको डील कैसे करना है तो सीनारियोज देखते हैं। अगर मान लो मेरा एक कस्टमर है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है क्योंकि हमने कुछ डिलीवर किया वो प्रॉपर नहीं था, और वो गुस्से में, उसको कुछ लॉस हो गया है, अब उसको डील करना है, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग स्किल्स। लिसन टू हिम और एक्टिव लिसनिंग करना ताकि वो समझ सके कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक बार वो एक्टिव लिसनिंग कर लोगे, सेकेंड थिंग उसको एम्पैथाइज करना, उसको बताना कि हम ना समझ रहे हैं आप क्या चाहते हो, चाहे आप तुरंत सॉल्यूशन ना दे सके, कि अच्छा रीफ्रेजिंग करना, अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, और उसको कन्फर्म करना अच्छा ये चैलेंजेस है। एक बार जब उसकी फ्रस्ट्रेशन मान लो निकल जाती है, देन द नेक्स्ट फोकस इज कि आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एक रेगुलर टचअप करके इंश्योर करना है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और फ्यूचर में वो नेगेटिविटी निकल जाए जो नेगेटिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आ गई है। एंड आई एम श्योर, वेरी श्योर कि जो ये डिफिकल्ट कस्टमर्स होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स होते हैं, अगर आपने उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं सॉल्व करी तो 10 और कस्टमर लेता हुआ जाएगा, और अगर आपने सॉल्व कर दी तो 5 नए कस्टमर ला के दे सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि एक नया कस्टमर आया और आपके साथ डील कर रहा है और आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको आंसर करना है, तो सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे कूल। नंबर 2, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको एक एक्टिव रह के अंडरस्टैंड करना है वो चाहता क्या है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे मैनेजमेंट हो लेवल पे हो, चाहे क्या है उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार प्रॉब्लम होती है कि एक कस्टमर को भी नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वो बार बार आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप डीप डाउन करके, कूल डाउन करके आप कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता कर लो तो आपको सक्सेस करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और 4th, आपका काम है मार्केटिंग करना। अगर वो पहली बारी में, दूसरी बारी में नहीं सेटिस्फाइड हो रहा, नहीं सेल्स पिच पूरी पड़ रही, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको स्टिल उसके प्रति पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो, देयर आर हाई चांस कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हो सकता है आपको पहली बारी में रिजल्ट ना मिले, दूसरी बारी मिल जाए, तीसरी बारी मिल जाए, और अगर वो कस्टमर बन गया, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है ऐसे जो डिफिकल्ट कस्टमर्स होते हैं जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और आपको और कई जगहों पे आपको सजेस्ट कर सकते हैं, और उनको लोग बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये डिफिकल्ट बंदे हैं। अगर इन्होंने कुछ देखा है, अगर इन्होंने इस कंपनी को, इस ब्रांड को के बोला है, देन डेफिनेटली ये ब्रांड अच्छा होगा और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और ऐसा ये बिजनेस है, आपको जॉब में भी आपके जो स्टेक होल्डर है वो आपके कस्टमर्स रहते हैं, तो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, कस्टमर से मत करवाइए, उसके क्वेश्चंस से मत करवाइए, बट ये इंश्योर करें कि आप ये इंश्योर करिए कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर के साथ सिंक में रहिए, और यू विल सी अ ग्रेट चेंज, अ ग्रेट रिजल्ट इन कस्टमर मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, डू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।